देखिए, इंडिया जो है, इंडिया हमारा नाम था ही नहीं, हमारा नाम भारत था। तो अभी आपने देखा होगा जो हमारे विपक्षी दल है, 25-26 दल इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक इंडिया नाम का दल बनाया। तो अब जब ये चुनाव हार जाते तो यही बात होती, इंडिया हार गया, इंडिया हार गया। मैं समझता हूँ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इंडिया नाम ही खत्म कर दिया, और हमारा जो प्राचीन नाम है, जो हमारा सनातन संस्कृति है, वो नाम भारत का ही नाम है। और हमारी जितनी भी रामायण देखो, महाभारत देखो, आप वेद उपनिषद जहाँ भी आप जाएंगे आपको वहाँ भारत नाम ही मिलेगा। और इसका नाम अखंड भारत था, तब ये पाकिस्तान वगैरह नहीं थे, अखंड भारत था। तो भारत तो पहले से ही नाम था। मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। और ये जो इंडिया जिसने नाम रखा है, इनके लिए जो है अब इनका जो है आगे चल के बुरा हाल हो जाएगा, अब ये दोबारा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और भारत का जो नाम रखा है बहुत अच्छा हुआ कि आगे चल के यही होगा कि भाई भारत जीत गया। अब भारत कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी। भारत जीत गया, भारत जीत गया। अगर ये हार जाते, जैसे इंडिया हार गया, इंडिया नाम होता, बोले जी पूरा हिंदुस्तान हार गया। अब ये क्लियर हो गया कि इंडिया नाम नहीं है, भारत नाम है, इंडिया एक दल का नाम है, उन्होंने जो है यूपीए से इंडिया किया हुआ है, अब ये साफ हो गया। चाहे बॉलीवुड के फिल्म सितारे हो या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सब एक तरफ से तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ये भारत तो भारत है, भारत तो आपने देखा नहीं, सोने की चिड़िया कहा जाता था वो भारत, तो ये पूरे पहले अखंड भारत था। नेपाल आपका जो है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी देश है सभी तो भारत है। इसीलिए जो हमारी सरकार ने किया बहुत अच्छा कार्य किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। देखिए, जो हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे, जिन्होंने खुद एक मंत्री पद पे रह के ऐसा बयान दिया है, ऐसे व्यक्ति को मैं क्या कहूं जो उसने हेट स्पीच दी है। अब हमारा मकसद ये है, मेरे पास एक स्नातन परिषद और है, मैं एक स्नातन परिषद का अध्यक्ष भी हूँ, और हमारी स्नातन परिषद पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे देश विदेशों में है, और हम पूरे देश विदेश में इसका बिगुल बजाएंगे और इसके नाम हर जगह FIR किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी सर उठा करके जो है हमारे जो है भारत को, हमारे जो जो सनातनी लोग, हम जो भारतीय लोग हैं, सनातनी लोग, हमको गाली नहीं दे पाए। इस समय एक नया ट्रेंड चला है, जिसका मन आता है वो हिंदुओं को गाली दे देता है, कोई रामचरित मानस में विरोध पैदा करता, कोई गीता की बात करता है, जिसको भी मन में आता है वो पॉपुलर होने के लिए जो है ऐसे बयान देता है। ऐसे लोगों को जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये जो बयान उसने दिया है, ये हेट स्पीच है, और हेट स्पीच के लिए उसके लिए जो है FIR दायर होगी। वो भी अपने बयान पे अड़ी है, लेकिन वो कह रहे कि मैंने जो बोला सही बोला। देखिए, हमने एक बार ये सोच रखा था कि चलो उसके मुंह से टंग स्लिप हो गया हो, परंतु वो टंग स्लिप नहीं है, सोची समझी जो एक साजिश है, और अब उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पूरे भारत में जहां जहां हमारे हिंदू रहते हैं, जहां जहां हमारे सनातनी रहते हैं, सभी उसको जो FIR करेंगे, सनातनी वोट ना दे। देखिए, ये आप जानते हैं कि जो हमारा जो ये इंडिया दल बना है, ये हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। इन्होंने हमेशा हिंदुओं के हित की बात नहीं की है, कभी भी इन्होंने हिंदुओं की बात ये नहीं की है। इसीलिए कोई भी सनातनी इनको वोट कभी न देगा, और ना आगे चल के किसी ने दिया है न कोई देगा। इसीलिए आने वाले समय में जो भारत भय हमारा है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इसी को 2024 में आना है, और 2024 में तीसरी बार मोदी जी को चुनाव जीतना है। इसीलिए ये लोग परेशान है, ये हमें आपस में बांटना चाहते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, हम लोग आपस में लड़े झगड़े, इनको फायदा हो। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इनको कोई फायदा नहीं होगा। अब जो है भारत ने तय किया है, हिंदू ने तय किया है, सनातनियों ने तय किया है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा तीसरी बार मोदी जी होंगे। देखिए, उदय स्टालिन ने जिस तरह की बात कही है कि डेंगू बीमार, ये दरअसल जितना भी नाम लिए है ना, मलेरिया है ये, जब है ना, ये इन्हीं लोगों को वोट का मलेरिया हो गया, इनको खरा है। ये सनातन में पैदा हुए हैं और सनातन की परंपरा को नहीं जानते हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन पद्धति, प्रकृति प्रेमी अगर पद्धति, जन जन का भला करने वाले लोग,
सब में प्राणी मात्र में परमात्मा को देखने वाले लोग अगर कोई है तो सनातनी है। सनातन है तो पूरा विश्व सुखी रहेगा, और जहाँ जहाँ से सनातन की छाप गई है वहाँ वहाँ क्या स्थिति हो रही है आप लोगों को खुद पता है। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कि उनका एक ही इलाज है और इनको एक ही गोली देनी चाहिए, और वो गोली है वोट की। अगर इनके पक्ष में वोट ना देके ऐसे लोगों को, मैं तो तमाम लोगों को जो सनातनी है चाहे उसमें किसी भी धर्म के हो, क्योंकि सनातन कोई एक धर्म में नहीं बांधता, जैसे गीता एक में नहीं बांधती है, ऐसे इन सभी लोगों को तिरस्कार कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। इनकी यही सजा है। प्रजातंत्र में हम ये तो नहीं कहते कि इनका सर कलम कर दो, धड़ उड़ा दो, ये कर दो, ये बात तो शोभा नहीं देती, लेकिन एक बात शोभा देती कि इनको गोली मारनी है तो वोट की गोली मारो। इनके पक्ष में कोई वोट नहीं देगा, प्रजातंत्र में वोट नहीं देगा तो अपने आप धराशायी हो जाएंगे, अपने आप इस तरह की बात कहना बंद कर देंगे और इनको पता चल जाएगा कि सनातन क्या है। तो मैंने सभी सनातनियों भाइयों से और जो भी प्रेमी हैं, जो भी इसमें हमारी पद्धति में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के, पर जिनके डीएनए हिंदुओं का रहा है, सनातनियों का रहा है, उन सभी से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों का सत्यानाश करना चाहिए जो समाज में इस तरह की विघटन और किसी आस्था को इतनी बड़ी चोट पहुंचाते हैं। इन लोगों को एक तरफ से वोट का बहिष्कार करते हैं, इनकी पार्टी को कभी वोट नहीं देना चाहिए। बस, 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 बस,